इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट 1963 को पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे सिर्फ जो शेड्यूल वाला पार्ट है उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे इस एक्ट का अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो उसके बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में है एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले अगर हम बात करें इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो 1859 से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था तो पहली बार 1859 में लिमिटेशन लॉ से रिलेटेड प्रोविजन लाए गए एक्ट इनएक्ट किया गया जो कि सभी कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता था फिर इसके बाद ये रिपील हुआ 1871 में फिर इसके बाद एटीन में फिर नाइनटीन में जो लिमिटेशन एक्ट आया उसको भी सब्सिक्वेंटली बाय द थर्ड लॉ कमीशन रिपील करके लिमिटेशन एक्ट 1963 लाया गया जो कि हुआ था 5 अक्टूबर 1963 को और एनफोर्समेंट में आया लागू हुआ फर्स्ट जनवरी 1964 से प्रेजेंट टाइम में ये एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है ये अप्लाई होता है सूट्स पर अपील्स पर एप्लीकेशन पर पिटिशंस पर इस एक्ट में 31 सेक्शंस हैं 137 आर्टिकल्स हैं और जो मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन इस एक्ट में दिया गया है वो है टेन डेज मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है थर्टी ईयर्स ये एक्ट बेसिकली टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप सूट अपील एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर सकते हैं ताकि आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस वगैरह मिल सके तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये बेस्ड है कुछ लेटिन मैगजीन्स पर जैसे कि इंटरेस्ट रिपब्लिक का उत्सित फिनिश लेती जिसका मतलब है कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है उनका एंड होना चाहिए क्योंकि अगर ये एक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता तो कोई भी किसी भी टाइम मुंह उठाकर कोर्ट में आ जाता जस्टिस लेने के लिए और इस तरह से जो लिटिगेशन है उनका कभी भी एंड नहीं होता नेक्स्ट मैक्सिम है विजिलेंटाई नॉर डोरमेंटाई यूरा डोरमिन जिसका मतलब है कि जो लोग है वो उन लोगों की हेल्प करता है जो अपने राइट को लेकर विजिलेंट है जागरूक है उन लोगों की मदद नहीं करता है जो सोए हुए हैं इन मैगजिम के अलावा एक और मैगजिम है डिले डिफीट्स इक्विटी जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं ये भी आपका लिमिटेशन एक्ट को बेस देता है इस मैगजिम का मतलब है कि अगर आप अन डिले करते हैं अपना कोर्ट में एक्शन लेने में तो इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होगा डिसमिसल ऑफ योर क्लेम जो आपने क्लेम किया है वो डिसमिस कर दिया जाएगा अब अगर सवाल आए कि जो लिमिटेशन एक्ट है क्या वो एग्जॉजिव है तो वहाँ वो एग्जॉजिटिव है उन मैटर्स के संबंध में जिनके बारे में एक्सप्रेसली लिमिटेशन एक्ट में बात की गई है जो भी लिमिटेशन एक्ट में पीरियड बताया गया है उसको बाय एनालॉजी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है बेसिकली ये एक्ट आपका सिविल केसेस के ऊपर अप्लाई होता है लेकिन अगर एक्सप्रेसली और स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है तो तब ये कहीं और भी अप्लाई हो सकता है जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो लॉज होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है सब्सटेंटिव लॉ एक होता है प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली बताते हैं राइट ड्यूटीज लाइबिलिटीज डिसबलिटीज वगैरह लेकिन उनको एनफोर्स कैसे कराया जाए मैकेनिज्म क्या होगा उनको एनफोर्स करने का वो सब आपका बताता है प्रोसीजरल लॉ और लिमिटेशन एक्ट आपका प्रोसीजरल लॉ कहलाता है लिमिटेशन लॉ लेक्स फॉरी है यानी कि लॉ ऑफ द कंट्री इन विच एन एक्शन इज ब्रॉड इसके अलावा लिमिटेशन लॉ के ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों तरह का ऑपरेशन रखता है आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें कौन अमेंडमेंट कर सकता है तो पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी दोनों के दोनों लिमिटेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर सकता है क्यों क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड लिस्ट यानी कि कंकट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है और एंट्री नंबर थर्टीन में मैंशन है कई सवाल आता है कि जो प्ले ऑफ लिमिटेशन है क्या उसको वेव किया जा सकता है तो इसका आंसर है प्ले ऑफ लिमिटेशन को वेव नहीं किया जा सकता है और अगर इस चीज के लिए कोई व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये चीज क्या होगी ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा या फिर अगर ऐसा होता है कि प्लेटिव और डिफेंडेंट मिलकर क्या करते हैं कि प्लेंटिव का अगर मान लो तीन सालों के अंदर उसको सूट फाइल करने का राइट है बट डिफेंडेंट क्या करता है उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि कोई बात नहीं तो तीन साल बाद सूट लिया हो मेरे खिलाफ उस टाइम को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ एग्रीमेंट करके तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होगा ना वो वॉइड होगा नेक्स्टली जो आपके रिट पिटीशन फाइल किए जाते हैं ना अंडर आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो उनके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगता है लास्टली जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जुडिशियल रेमेडी को बार करता है आपका जो राइट है उसको खत्म नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए और आपने मुझे वादा किया कि इस तारीख को आप क्या कर देंगे वो पैसे मुझे वापस कर देंगे बट वो तारीख आ गई और आपने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मेरा राइट हो जाता है अराइज कि मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊं और रिकवरी ऑफ डेट का सूट फाइल कर दूं और इसके लिए मुझे मिलता है तीन साल का टाइम तीन सालों तक मैं आराम से बैठी रहती हूँ और मैं आपके अगेंस्ट कुछ सूट ही नहीं फाइल करती हूँ और तीन साल हो जाता है खत्म तो अब मेरी जो जुडिशियल रेमेडी है वो खत्म हो गई है यानी कि अब मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर आपसे डेट रिकवर नहीं कर सकती हूँ वो बात अलग है कि अगर आप उसके बाद अपने मन मर्जी से जो आपने मुझसे पैसा उधार लिया था वो मुझे रिटर्न कर देते हैं क्योंकि जो मेरा राइट है आपसे पैसे वापस लेने का वो खत्म नहीं हुआ है खत्म हुई है सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रेमेडी मैं आपको पटापटू के पैसे वापस अगर ले लेती हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल रेमेडी भी बार है तो मेरा राइट भी खत्म हो गया आपसे पैसे वापस लेने का लेकिन जो भी बात अभी हमने डिस्कस की इसका एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन ट्वेंटी सेवन में क्योंकि जो सेक्शन ट्वेंटी सेवन है वो क्या करता है राइट को खत्म करता है किसके राइट को खत्म करता है उस व्यक्ति के राइट को खत्म करता है जिसको क्या करना चाहिए था किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि दिया गया है शेड्यूल में सूट फाइल कर लेना चाहिए था बट उसने नहीं किया तो उसके उस प्रॉपर्टी के संबंध में राइट को उस पीरियड के खत्म होने के बाद सेक्शन 27 क्या करता है खत्म करता है वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति एडवर्स पोजेशन में है उसके राइट को सेक्शन 27 क्रिएट करता है एक का राइट खत्म कर, कर रहा है एक का क्रिएट कर रहा है बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 27 सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है जो पोजेशन के लिए सूट लाए जाते हैं उनके ऊपर आपका अपील और एग्जीक्यूशन एग्जिक्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है यहां तक आपको लिमिटेशन एक्ट आप के बारे में बेसिक जानकारी हो गई होगी अब हम लिमिटेशन एक्ट के जो सेक्शन है उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम सेक्शन थ्री से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन थ्री से जो सवाल आपका मेंस एग्जामिनेशन में बनता है वो यहाँ पर लिखा है एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा तो जो सेक्शन थ्री है ये मैंडेटरी नेचर का है अप्लाई होता है कहाँ कहाँ सूट पर अपील पर एप्लीकेशन पर पटीशन पर बट अप्लाई नहीं होता है एग्जीक्यूशन पर कहता क्या है सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री ये कहता है कि जो आपके लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन फोर से लेकर सेक्शन ट्वेंटी फोर तक दिए गए हैं यहाँ पर जो भी बातें लिखी हैं उनके अधीन रहते हुए हर एक सूट हर एक अपील हर एक एप्लीकेशन अगर आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड कोर्ट ऑफ लॉ में लाई जाती है तो जो कोर्ट है वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगी उसको वो डायरेक्टली डिसमिस कर देगी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो डिफेंडेंट है उसने लिमिटेशन का ऑब्जेक्शन लिया या नहीं लिया उसने लिमिटेशन पीरियड को एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस पेश किया या नहीं किया जो कोर्ट है वो सो मोटो ये काम कर देगी और यहाँ पर प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब है वो पीरियड जो कि लिमिटेशन एक्ट के तहत कैलकुलेट किया जाता है निकाला जाता है आगे सेक्शन थ्री में ये कहा गया है कि इस एक्ट के पर्पज के लिए कब ये माना जाएगा कि कोई सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है तो अगर हम बात करें नॉर्मल केसेस केसेस की जो सामान्य होता है तो जैसा कि आपको पता ही है सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी में ये कहा गया है कि जो सिविल सूट है वो इंस्टीट्यूट होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट तो इसीलिए लिमिटेशन एक्ट में भी नॉर्मल केसेस में तब माना जाएगा कि कोई पर्टिकुलर सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है जब जो प्लेंट है वो प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष प्रेजेंट कर दी जाएगी नेक्स्टली अगर हम बात करें पॉपर के केस की मतलब जो इंडिजेंट पर्सन होता है जो होता है गरीब पर्सन उसके केस की अगर हम बात करें तो बेसिकली उसको इसलिए ताकि फीस वगैरह उसको देनी ना पड़े क्योंकि वो इंडिजेंट पर्सन है तो एज अ पॉपर सूट लड़ने के लिए एज अ इंडिजेंट पर्सन सूट लड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ता है एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है अनुमति मांगने के लिए तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल कर दिया इस अनुमति को मांगने के लिए कि वो एज अ पॉपर सूट फाइल करना चाहता है तो उसी दिन से माना जाएगा कि उसका सूट इंस्टीट्यूट हो गया है नेक्स्टली अगर हम बात करें उस कंपनी के अगेंस्ट क्लेम के केस की जो कि बाय द कोर्ट वाउंड अप की जा रही है ऑफिशियली क्लोज की जा रही है तो ऐसी कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम वाला केस है तो ऐसे केस को तब इंस्टीट्यूट हुआ हुआ समझा जाएगा जिस दिन जो क्लेमेंट है पहली बार अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को करता है अब यहां पर आगे इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर आपका कोई सूट चल रहा है और उसी सूट में आप क्या कर रहे हैं सेट ऑफ का क्लेम कर रहे हैं तो जो ये आपका सेट ऑफ का क्लेम है ना इसको उस सूट से सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपका ये जो सेट ऑफ वाला क्लेम जिसको हम एक सेपरेट सूट की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो तब इंस्टीट्यूट हुआ हुआ समझा जाएगा जिस दिन जिस सूट में आपने सेट ऑफ का क्लेम किया है वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया था फॉर एग्जाम्पल जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था पांच तारीख को उसमें आपने सेट ऑफ क्लेम किया है दस तारीख को बट आपका जो सेट ऑफ के क्लेम वाला सूट है वो भी इंस्टीट्यूट हुआ हुआ उसी तारीख को समझा जाएगा जिस तारीख को वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था जिसमें आपने सेट ऑफ क्लेम किया था यानी कि पाँच तारीख को ही दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट हुए समझे जाएंगे इसके अलावा ये चीज भी कही गई है पर कि अगर होता यह है कि आपका कोई सूट चल रहा है और उस सूट में क्या कर करते हैं काउंटर क्लेम कर देते हैं तो जो काउंटर क्लेम है ना उसको भी उस सूट से अलग ही सूट की तरफ किया जाएगा और काउंटर क्लेम वाला सूट हुआ वा समझा जाएगा जिस दिन उस पर्टिकुलर सूट में आपने क्या किया काउंटर क्लेम किया है। उस दिन नहीं जिस दिन वो सूट सूट्यूट हुआ जिसमें काउंटर क्लेम किया बल्कि उस उस दिन दिन जिस आपने सूट में क्या किया है काउंटर किया है फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया किसी पर्टिकुलर सूट में जो कि इंस्टीट्यूट हुआ था पांच तारीख को काउंटर क्लेम किया दस तारीख को तो जैसे कि जो काउंटर क्लेम है उसको सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया जाता है तो ये जो काउंटर क्लेम वाला सूट है इसको कौन से दिन से इंस्टीट्यूट हुआ समझा जाएगा इसको उस दिन से समझा जाएगा जिस दिन काउंटर क्लेम किया गया था यानी कि दस तारीख से नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन फोर जिससे जो क्वेश्चन मेंस में बनता है वो यहां पर लिखा है आप पढ़ लेना तो जो सेक्शन फोर है जैसे कि मैंने आपको सेक्शन थ्री में बताया था कि सेक्शन थ्री में जो भी बात हमने पढ़ी थी वो अप्लाई होती है सेक्शन फोर से लेकर सेक्शन ट्वेंटी फोर तक जो लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान किए गए हैं उनके अधीन रहते हुए तो इस तरह से जो सेक्शन फोर है ना ये आपका सेक्शन थ्री का एक्सेप्शन माना जाता है तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो सेक्शन है इसको इनैक्ट करने के पीछे क्या रीजन है रीजन जो है वो दो मैक्सिम में दिया गया है पहला है एक्टुस्यूरियम यहाँ पर अगर मैं किसी भी लैटिन मैक्सिम का गलत उच्चारण कर दू ना तो मेरा सर मत फोड़ देना इतनी अच्छी मुझे नहीं आती है लैटिन लैंग्वेज तो ये जो मैक्सिम है ये कहता है कि जो कोर्ट का एक्ट होता है उससे किसी भी पार्टी के ऊपर किसी के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अगला मैक्सिम है लेक्स नॉन को जिता जिसका मतलब है कि जो लॉ है वो किसी आदमी को वो चीज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है जो चीज करना पॉसिबल ही न हो यानी कि जिस दिन प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हो रहा है उस दिन अगर कोर्ट बंद है तो उस दिन कोई व्यक्ति अपना सूट अपील एप्लीकेशन कैसे फाइल कर देगा ये तो कोर्ट की गलती है ना और कोर्ट के इस एक्ट से किसी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तो सेक्शन फोर ही कहता है कि जिस दिन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो खत्म हो रहा है, उस दिन अगर, बंद है अगर हम सेक्शन फोर का एक्सप्लेनेशन अप्लाई करें तो तब इसका कहने का मतलब ये भी है कि अगर उस दिन थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना बंद हो तो अगर उस दिन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है तो तब आपको फायदा दिया जाएगा जो आपका सूट है अपील है एप्लीकेशन है आप उसके अगले दिन कर दो कोर्ट में फाइल जिस दिन कोर्ट रिओपन हो रही है उस दिन कर दो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके अगेंस्ट कोई एक्सपार्टी डिग्री क्या हो रखी है पास हो रखी है तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपको लिमिटेशन के तहत पीरियड मिलता है थर्टी डेज का और जो तीसवा दिन है उस दिन होता है संडे उस दिन होती है कोर्ट बंद तो ऐसे सिचुएशन में लगेगा सेक्शन फोर और आप अपना एप्लीकेशन कर सकेंगे मंडे को जिस दिन जो कोर्ट है वो रिओपन होती है अगला सेक्शन है सेक्शन फाइव जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशियंट कॉज से डील करता है यानी कि अगर डिले हुआ है बट आपके पास सफिशियंट कॉज है तो तब आपका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है और आपके डिले को कंडोन किया जा सकता है माफ किया जा सकता है बट ये चीज सूट के केस में अप्लाई नहीं होती है ये आपने ध्यान रखना है तो सेक्शन फाइव में कहा गया है कि अगर कोई अपील एप्लीकेशन में पटीशन भी इंक्लूड होती है तो अगर कोई अपील एप्लीकेशन पटीशन वगैरह आफ्टर दी प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कोर्ट में लाई जाती है और डिले क्यों हुआ है इसका सफिशियंट कॉज होता है एप्लीकेंट के पास अगर एप्लीकेशन कर रहा है तो एप्लीकेंट के पास अगर अपील कर रहा है तो एप्लियंट के, तो के पास कि मतलब मेरे पास ये सफिशियंट कॉज है और इस वजह से मैं जो एप्लीकेशन मुझे उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर करना था या फिर जो अपील मुझे उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रेफर करनी थी मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सफिशियंट कॉज था तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है वो आपके एप्लीकेशन को अपील को पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद भी एडमिट कर लेगी और जो भी पार्टी सेक्शन फाइव के तहत अपने डिले को कंडोन करना चाहती है सफिशेंट कॉज कोर्ट को सेटिस्फाई करके तो उसको साथ ही और चीजें भी प्रूव करनी पड़ेगी जैसे कि कि वो पार्टी विजिलेंट थी सतर्क थी उसने अपने पार्ट पर कोई नैगलिजेंस नहीं किया है और ना ही उसके पार्ट पर कोई बोना फाइट हुआ है यानी कि वो बोना फाइट थी पार्टी ये सब इस्टेब्लिश हो जाने के बाद आपके डिले को कंडोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये टोटली totally कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर आधारित है कोर्ट की मर्जी है जो सफिशंट कॉज आपने दिया है और ये चीज़ें जो आपने प्रूव की है उनसे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है अब सवाल आता है कि सफिशियंट कॉज क्या हो सकता है तो ये हर एक सिचुएशन में वेरी करता है सफिशियंट कॉज मतलब वो कॉज जो कि पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड थे फॉर एग्जाम्पल काउंसिल से मिस्टेक हो जाती है पार्टी बीमार पड़ जाती है पार्टी के किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है ग्लोबल पेंडेमिक हो जाता है काउंसिल की डेथ हो जाती है तो ये कुछ एग्जाम्पल है सफिशियंट कॉज के हाव जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है और केयरलेसनेस है ये कभी भी सफिशियंट कॉज नहीं हो सकती है इसके अलावा अगर सिटी में कर्फ्यू लग जाता है तो ये चीज़ सफिशियंट कॉज हो सकती है तो बेसिकली सफिशियंट कॉज को जब कोर्ट इंटरप्रेट करती है कि ये पर्टिकुलर कॉज सफिशियंट कॉज है या नहीं इस चीज में जो कोर्ट है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन करे ऐसा इस पर्टिकुलर केस में हेल्प किया गया था लास्टली आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन फोर में सफिशियंट कॉज का डॉक्ट्रिन दे रखा है ये सूट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है ऑर्डर ट्वेंटी वन के तहत जो एप्लीकेशन की जाती हैं उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है डाइवोर्स का जो पिटीशन फाइल किया जाता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सिक्स सेवन एट जहाँ पर बात की गई है लीगल डिसेबिलिटी की कि अगर कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो उसके संबंध में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से शुरू होगा लीगल डिसेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड किया गया है माइनर को इंसेन को ईडियट को माइनर में आपका मदर वॉर्म में जो चाइल्ड होता है वो भी इंक्लूड होता है तो इन तीनों के अलावा किसी और को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इन्हीं लीगल डिसेबिलिटी के बारे में ये सेक्शन बात करते हैं सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन सेवन के संबंध में ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी बातें हम पढ़ेंगे वो अप्लाई होंगी सेक्शन एट के अधीन रहते हुए इस चीज के अलावा सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन सेवन डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो एप्लीकेशन की जाती है सिर्फ उसी एप्लीकेशन पर अप्लाई होते हैं किसी और एप्लीकेशन पर अप्लाई नहीं होते हैं सभी सूट के ऊपर अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट दूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रियम्पन प्रियम्शन के राइट right को जो इन्फोर्स कराने के लिए सूट लाया जाता है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होते हैं और ना ही ये अप्लाई होते हैं अपील के ऊपर तो ये कुछ बातें थी जो आपने ध्यान रखनी है तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन सिक्स की जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेंटिव के ऊपर अप्लाई होता है और सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होता है जब लिमिटेशन एक्ट में दिया गया होता है टाइम पीरियड किसी पर्टिकुलर सूट के लिए या फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन के लिए तो बेसिकली कहता क्या है सेक्शन सिक्स ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली होता यह है कि जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज़ होता है उस दिन से ही जो आपके कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक्शन लेने का टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट में दिया गया होता है वो रन करना शुरू कर देता है लेकिन जो लीगली डिसेबल्ड पर्सन है उनके केस में ऐसा नहीं होता है अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करने के लिए एंटाइटल होते हैं अगर वो उस टाइम पर किसी लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो तब वो सेम टाइम पीरियड जो कि उन्हें लिमिटेशन एक्ट में मिला हुआ है उस सेम टाइम पीरियड के अंदर जब उनकी लीगल डिसेबिलिटी समाप्त होती है उसके बाद सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई सूट करने के लिए मुझे मिला हुआ है तीन साल का टाइम लिमिटेशन एक्ट में और मैं अभी हूँ माइनर मैं अभी सत्रह साल की हूँ तो अब जो मेरा राइट right है उस सूट को इंस्टीट्यूट करने का वो हो जाता है अराइज तो जैसे कि मैं सत्रह साल की हूं तो अभी सूट तो फाइल नहीं कर सकती हूं तो ऐसे केस में जो मेरे लिए लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम दिया गया है तीन साल का वो तब से स्टार्ट होगा जब मैं अठारह साल की हो जाऊंगी सेम पीरियड मिलेगा उस सेम पीरियड के अंदर मैं अठारह साल की होने के बाद क्या कर सकती हूँ अपना सूट फाइल कर सकती हूँ या फिर ऐसा होता है कि जिस दिन लिमिटेशन पीरियड मेरा स्टार्ट होता है सूट फाइल करने का या फिर डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करने का उस दिन मैं दो डिसेबिलिटी से सफर कर रही थी माइनर भी थी एडियट भी थी बट असल में मैं ईडियट नहीं हूँ कभी मुझे ईडियट समझ लो या फिर ऐसा होता है कि मेरी एक डिसेबिलिटी खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है फॉर एग्जाम्पल मैं माइनर थी जैसे मैं मेजर होने को हुई मैं इंसेन हो गई तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही मेरी सारी डिसेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद मुझे सेम टाइम पीरियड मिलेगा अपने उस सूट को अपनी उस एप्लीकेशन को कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल करने के लिए नेक्स्ट लिए अगर ऐसा होता है कि मरते दम तक मेरी डिसेबिलिटी नहीं जाती वो टिल द डेथ ऑफ माई लाइफ कंटिन्यू रहती है तो जिस दिन मेरी डेथ होगी उस दिन के बाद से सेम टाइम जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए मिल जाएगा लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरी डेथ के बाद मुझे रिप्रेजेंट करने वाले थे क्योंकि मैं तो डिसेबिलिटी के साथ ही मर गई तो वो अगर खुद ही उस टाइम पर जो लीगल डिसेबिलिटी यहाँ पर दी गई उनमें से किसी भी लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी वैसे ही जैसे मेरे ऊपर इस सेक्शन का सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू अप्लाई हुआ वैसे ही उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर सबसेक्शन फाइव की अगर बात की जाए तो जैसे की सबसेक्शन वन में मैंने आपको बताया ही कि मान लो होता यह है कि किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने का लिमिटेशन एक्ट में मुझे टाइम मिलता है तीन साल का और उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए जिस दिन मैं एंटाइटल होती हूँ उस दिन तो मैं माइनर हूं या फिर सेन हूं या फिर मैं इडियट हूं तो तब तो मैं उस सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती हूँ तो जैसे ही मेरी वो डिसेबिलिटी खत्म होगी उसके बाद मुझे सेम टाइम तीन साल का मिलेगा उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए अब होता यह है अगर हम सबसेक्शन फाइव की बात करें कि जो मेरी डिसेबिलिटी थी वो हो जाती है खत्म तो जैसे ही मेरी डिसेबिलिटी खत्म होती है मुझे मिल रहा है तीन साल का टाइम और उन तीन साल में से मान लो दो साल हो गए खत्म मैंने कोई सूट फाइल नहीं किया और मेरी हो गई डेथ तो अब बचा मेरे पास कितना एक साल का टाइम तो उस बचे हुए एक साल के अंदर मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट मिल जाएगा क्या राइट कि वो उस बचे हुए एक साल के अंदर उस सूट को फाइल करें जिस सूट को फाइल करने के लिए मैं एंटाइटल थी यानी कि डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद जो लिमिटेशन एक्ट में हमें टाइम मिलता है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हमारी हो जाती है डेथ तो तब हमारे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस बचे हुए टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं हमारी डेथ के बाद हमारा सूट या फिर हमारी डिग्री के लिए जो एप्लीकेशन हमने फाइल करनी थी वो फाइल कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो बचा हुआ टाइम है उस बचे हुए टाइम में जो सूट हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट करते वो खुद ही लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर सब सेक्शन सेक्शन जो है 6 का वो अप्लाई नहीं होगा इट मीनस कि अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं उनको अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू उस बचे हुए टाइम पीरियड के अंदर हमारा सूट इंस्टीट्यूट करना होगा हमारी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी क्योंकि सेक्शन जो है आपका लिमिटेशन एक्ट का वहां पर यह व्यवस्था की गई है कि अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड रन करना शुरू कर देता है तो उसके बाद उसको कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या फिर इनेबिलिटी स्टॉप नहीं कर सकती है फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अहमद उसका राइट टू सू अराइज होता है 2002 में जब वो किसी भी लीगल डिसेबिलिटी से सफर नहीं कर रहा होता है और उस सूट को फाइल करने के लिए उसको तीन साल का टाइम मिलता है लेकिन वो सूट फाइल ही नहीं करता है फिर उसके बाद 2004 से लेकर 2006 तक वो इंसेन रहता है तो ये जो उसकी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी हुई है इस आधार पर उसको कोई भी टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक बार जब टाइम रन करना शुरू कर देता है जो कि रन करना शुरू कर दिया था 2002 में उसको कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी, जो कि इस व्यक्ति को 2004 से 2006 तक हुई रोक नहीं सकती है वो रन करता रहेगा और ऐसे ही रन करते करते वो हो जाएगा एक्सपायर तो इसलिए फायदा इस बात में है कि आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर दे आपका सूट फाइल कर दे उस टाइम पीरियड के अंदर जो बचा कुचा है लेकिन अगर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो तब भी कुछ नहीं हो सकता है उसको क्या करना पड़ेगा उस बचे को जो टाइम पीरियड के अंदर ही अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू वो सूट जिसको इंस्टीट्यूट करने के लिए आप एंटाइटल थे फाइल करना होगा और यहां पर ये यह जो सेक्शन नाइन अभी हमने डिस्कस किया है ये आपका अप्लाई होता है सूट के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर ये अपील के ऊपर अप्लाई नहीं होता है और दूसरी चीज जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन नाइन कहता है कि एक बार अगर टाइम रन करना शुरू कर देता है तो उसको सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या फिर इनबिलिटी स्टॉप नहीं कर सकती है तो इस चीज का एक्सेप्शन सेक्शन नाइन के प्रोवाइजो में देखने को मिलता है क्या एक्सेप्शन है जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर वो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहता है तब तक रनिंग ऑफ लिमिटेशन को सस्पेंड कर देता है नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन सेवन की जो सेक्शन सिक्स को कंटिन्यू करता है और इसलिए सेक्शन सिक्स का सप्लीमेंट्री कहलाता है तो बेसिकली सेक्शन सेवन ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा लोग किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जॉइंटली एंटाइटल होते हैं तो बेसिकली जॉइंटली कब एंटाइटल होते हैं इसके बारे में ऑर्डर वन रूल वन दिया गया है सी सी में लेकिन वो लोग लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में सवाल आता है कि जो टाइम है लिमिटेशन का इनके संबंध में कब से रन करना शुरू करेगा क्या तब से रन करना शुरू करेगा जब इनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है या फिर तब से जब इनकी डिसेबिलिटी खत्म होती है तो पहली सिचुएशन इन्होंने ये दी है कि अगर ऐसे पर्सन का कोई व्यक्ति वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए कैपेबल है इनकी कंसेंट लिए बिना तो तब इन सभी के संबंध में जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन का वो तभी से रन करना शुरू कर देगा जब इनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है फॉर एग्जाम्पल एक जॉइंट हिंदू फैमिली में करता है और उसके तीन बच्चे हैं एक इंसेन है एक माइनर है एक ईडियट है, है तो यहाँ पर जो करता है वो इन अपने तीनों बच्चों की जो कि लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं अगर ऐसा होता है कि ये सारे के सारे जॉइंटली एंटाइटल हैं किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट तो यहाँ पर जो करता है वो अपने इन बच्चों की कंकरेंस लिए बिना इनका वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है इनकी लाइबिलिटी का वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है तो अब इनके संबंध में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तभी से रन करना शुरू कर देगा जब से कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है वहीं अगर हम बात करें कि अगर कोई है ही नहीं जो इनकी लाइबिलिटी का वैलिड डिस्चार्ज दे दे तो तब ऐसी सिचुएशन में इनमें से अगर जब तक कोई व्यक्ति वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए कैपेबल नहीं हो जाता तब तक लिमिटेशन पीरियड रन करना शुरू नहीं करेगा या फिर तब तक जब तक कि इन सब की जो डिसेबिलिटी है वो ख़त्म नहीं हो जाती तो बेसिकली सेक्शन सेवन के तहत वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए कैपेबल माना गया है पार्टनर्स को को एग्जीक्यूटर्स को और ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कर्ता को और ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होता है हर तरह की लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के ऊपर चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में ही क्यों ना हो सेक्शन एट जो है उसको सेक्शन सिक्स इन सेक्शन सेवन का प्रोवाइजो कहा जाता है क्योंकि सेक्शन एट में पहली चीज तो ये कही गई है कि लीगल डिसेबिलिटी चाहे हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो आपका सूट होता है ना प्रियम्पन वाला उसके संबंध में तभी से आपका लिमिटेशन रन करना शुरू कर देगा जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है यानी कि सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन सेवन जो प्रियम्शन वाला सूट होता, न, होता है ना उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं अब जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि सेक्शन सिक्स एंड सेक्शन सेवन में जो भी बातें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन एट के अधीन रहते हुए जैसे कि मैं बोल रही थी आपको कि सेम पीरियड मिलेगा सेम पीरियड मिलेगा लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद तो वो जो सेम पीरियड है ना वो कुल मिला के तीन साल से ज्यादा का एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है ये बात कही गई है सेक्शन एट में यानी कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है आठ साल का है और उसका उस टाइम पर डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन करने का राइट अराइज़ होता है और डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो बारह साल का होता है तो जब वो अट्ठारह साल का होगा तो उस टाइम पीरियड में से उसके पास बचेंगे सिर्फ दो साल बारह साल में से दो साल ही उसके पास बच रहे क्योंकि दस हमने घटा दिए तो अब जब उसके पास दो साल बच रहे हैं तो उस टाइम में हम एक्स्ट्रा टाइम क्या एक्सटेंड करेंगे एक साल और डाल देंगे तो, तो टोटल हम सिर्फ तीन साल एक्सटेंड करेंगे या फिर अगर ऐसा होता है कि जब वो व्यक्ति मेजर होता है तो उसके पास उन बारह सालों में से ज्यादा टाइम बचता है आठ साल का टाइम बचता है तो फिर उसके बाद उसमें कोई टाइम और एड नहीं किया जाएगा उसके पास बस आठ साल ही होंगे ठीक है या फिर ऐसा होता है कि अगर उस व्यक्ति के पास उन 12 सालों में से सिर्फ एक साल बचता है जब वो मेजर होता है तो तब उसमें दो साल ऐड कर दिए जाएंगे तो टोटल तीन साल का एक्सटेंशन हो जाएगा तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक्सटेंशन होगा वो तीन साल से ज्यादा का नहीं किया जाएगा तीन साल से ज्यादा का टाइम बचता है तो और उसमें ऐड नहीं करेंगे लेकिन तीन साल से कम का बचता है तो उसको कुल मिलाकर तीन साल कर देंगे तो ये बातें सेक्शन एट की आपने ध्यान रखनी है सेक्शन नाइन की अगर हम बात करें तो वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था तो उसके अब हम बात नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली सेक्शन टेन की अगर हम बात करें तो सेक्शन टेन में ये कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्ट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए स्पेसिफिक पर्पज़ रिलीजियस पर्पज भी हो सकता है चैरिटेबल पर्पज़ भी हो सकता है और जिस व्यक्ति के मैनेजमेंट में वो प्रॉपर्टी आती है उसको उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी माना जाता है तो इसलिए जब स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या किया जाता है ट्रस्ट किया जाता है तो जिस व्यक्ति में वो प्रॉपर्टी निहित होती है उस व्यक्ति को जैसे कि हम कहते हैं ट्रस्टी तो ट्रस्टी के अगेंस्ट अगर सूट फाइल करना है या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट फाइल करना है या फिर जिसको ट्रस्टी ने विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन प्रॉपर्टी असाइन की है उसके अगेंस्ट अगर सूट फाइल करना है और सूट क्यों फाइल करना है उस प्रॉपर्टी के संबंध में करना है जिसका ट्रस्ट किया गया है या फिर उससे जो प्रोसीड आ रहा है या फिर उसके अकाउंट के लिए करना है उसका अकाउंट का ब्योरा मांगने के लिए करना है तो इनमें से किसी भी पर्पज के लिए अगर सूट फाइल करना है तो ऐसे केसेस में ऐसा सूट लिमिटेशन से बाहर नहीं होगा ऐसे सूट पर लिमिटेशन पीरियड नहीं लगेगा यानी कि सेक्शन थ्री में जो हमने जनरल रूल पढ़ा था वो सेक्शन टेन के तहत जो सूट लाया जाता है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है अब यहाँ पर सेक्शन इलेवन की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सुधार की जरूरत है क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी हमारा लिमिटेशन एक्ट लगता है तो जम्मू एंड कश्मीर को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो बेसिकली सेक्शन इलेवन ये कहता है कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी फॉरिन कंट्री में और उसका जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हुआ है कहाँ हमारे इंडिया में जहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है हमारे इंडिया का तो तब उस सूट को हमारे लिमिटेशन एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा उसके ऊपर हमारे इंडिया के लिमिटेशन एक्ट के ही प्रोविजन लगेंगे आप इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि आपके फॉरेन कंट्री में तो कुछ और ही रूल है लिमिटेशन का और आप यहां पर कुछ और ही रूल अप्लाई कर रहे हैं जब तक कि वो रूल उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ना करता हो या फिर जो पार्टीज हैं वो उस पीरियड तक उस फॉरेन कंट्री में डोमिसाइल थी जो कि उस रूल के तहत प्रेस्क्राइब किया गया था जो टाइम लिमिटेशन दिया गया था उस टाइम तक तो वो वहां पर थी तो तब ये ग्राउंड लिया जा सकता है कि ये जो सूट है वो टाइम बार्ड है अब यहाँ पर पार्ट थर्ड जो दिया गया है इसमें सेक्शन ट्वेल्व से लेकर ट्वेंटी फोर तक दिए गए हैं लिमिटेशन एक्ट में जो कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के कंप्यूटेशन से संबंधित है और यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं एक बार आप देख लेना तो सबसे पहले अगर हम बात करें उन सेक्शंस की जो ये बताते हैं कि कब कुछ टाइम हम एक्सक्लूड करेंगे लिमिटेशन पीरियड को काउंट करते टाइम तो सबसे पहले सेक्शन ट्वेल्व बताता है लीगल प्रोसीडिंग में कब कब कुछ टाइम लिमिटेशन पीरियड को काउंट करते टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा तो सबसे पहले कहा गया है सब सेक्शन वन में कि जिस दिन से सूट अपील एप्लीकेशन के संबंध में पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना शुरू करेगा उस दिन को हम सबसे पहले एक्सक्लूड कर देंगे सेकंडली अगर हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करना है किसी जजमेंट के अगेंस्ट जो अपील की गई है उसके लिए या फिर किसी जजमेंट के लिए अगेंस्ट अपील करने के लिए जो अनुमति मांगने की एप्लीकेशन की गई है उसके लिए या फिर किसी जजमेंट के लिए रिवीजन या फिर रिव्यू के लिए जो एप्लीकेशन की गई है उसके लिए तो ऐसी सिचुएशन में

और रिव्यू की मांग की जाती है या फिर उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए अनुमति लेने की एप्लीकेशन की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में कौन कौन सा टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा पहला तो वो दिन जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड रन करना शुरू करेगा दूसरा वो दिन जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस हुआ तीसरा वो टाइम जो डिक्री की कॉपी लेने में लगा और चौथा वो टाइम जो कि जजमेंट की कॉपी लेने में लगा अब यहाँ पर सबसेक्शन फोर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होती हैं उनके जजमेंट वगैरह को अवार्ड कहा जाता है तो अगर कोई अवार्ड हमें क्या करना है सेट असाइड कराने के लिए अप्लाई करना है जिसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन थर्टी डेज का होता है तो बेसिकली ऐसे केसेस में लिमिटेशन पीरियड काउंट करते टाइम कौन सा टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा तो पहला तो वो दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड रन करना शुरू करेगा दूसरा अवार्ड की कॉपी लेने में जो टाइम लगा वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा पर यहाँ पर हमने जितनी भी बातें पढ़ी वहां पर ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप अप्लाई ही नहीं किए हैं डिग्री की ऑर्डर की सेंटेंस की जजमेंट की अवार्ड की कॉपी लेने के लिए और कोर्ट ने लगाया है टाइम तो तब वो टाइम एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन के बाद से जितना टाइम कोर्ट लेगी आपको कॉपी देने में वो एक्सक्लूड किया जाएगा नेक्स्ट जो आपका सेक्शन थर्टीन है ये कवर करता है इंडिजेंट पर्सन के केस को पॉपर के केस को तो बेसिकली हमने सेक्शन थ्री में पढ़ा था कि जो पॉपर का सूट है वो उस दिन इंस्टीट्यूट हुआ हुआ समझा जाएगा जिस दिन वो करता है एज अ पॉपर सूट लड़ने के लिए अनुमति मांगने की एप्लीकेशन फाइल तो अगर ऐसी एप्लीकेशन को या फिर एज अ पॉपर वो अपील लाता है इन में से जो भी है उसको वो गुड फेथ में प्रोसीक्यूट कर रहा है बट बाद में पता चलता है कि वो तो गरीब ही नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जो टाइम उसको ऐसे एप्लीकेशन को गुड फेथ में प्रोसीक्यूट करने में लगा क्या कर दिया जाएगा सेक्शन थर्टीन अप्लाई करके एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो इस तरह से सेक्शन 13 आपका एक तो अप्लाई होता है एज अ प्रॉपर जो अपील की जाती है उनके ऊपर और दूसरा एज ए पॉपर सूट लड़ने के लिए अनुमति मांगने की जो एप्लीकेशन की जाती है उसके ऊपर नेक्स्ट ली जो सेक्शन फोर्टीन है वो ये कहता है कि अगर आपसे ऐसा हो जाए गुडफेथ में कि आपने किसी रॉन्ग कोर्ट में जिसको जुरुजिक्शन नहीं है जुरुजिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है पिक्यूनरी टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मतलब जो आपका सूट है वो कोर्ट के जुरुजिक्शन में नहीं आता है बट आपने उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया है अब यहां पर आप गुड फेथ में जितना भी टाइम लगाए हैं इस कोर्ट में जब तक आपको पता नहीं चला ये चीज कि इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो सारा का सारा जो टाइम है वो आपके सूट और आपके एप्लीकेशन के लिए जितना लिमिटेशन पीरियड आपको मिला हुआ है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसमें से हटा दिया जाएगा इन चीजों के अलावा सेक्शन 14 में और भी बातें हैं जो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 14 पर अलग से वीडियो बनाएंगे नेक्स्टली सेक्शन 15 में काफी सारी बातें कही गई हैं सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि अगर कोई सूट या फिर एप्लीकेशन जो है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए उसके ऊपर इंजंक्शन से या फिर किसी अदर ऑर्डर से स्टे लग गया है तो जिस दिन लगा उस दिन से जिस दिन हटा उस दिन तक का जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से सेक्शन 15 के सबसेक्शन टू में दो बातें कही गई हैं पहली बात तो ये कही गई है कि अगर किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की सेंक्शन या कंसेंट तो जितना टाइम सेंक्शन लेने में कंसेंट लेने में लगता है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा लेकिन जिस दिन आपने क्या किया है कंसेंट लेने के लिए सेंक्शन लेने के लिए एप्लीकेशन किया है और जिस दिन आपको कंसेंट मिल गई जिस दिन आपको सेंक्शन मिल गई ये दो दिन काउंट होंगे ये दो दिन एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे और दूसरी बात इस सब में कही गई है कि अगर किसी अथॉरिटी को नोटिस वगैरह देना पड़ता है suit institute करने से पहले और ये सब चीजें ना बाय द लॉ रिक्वायर की गई होनी चाहिए तो बाय द लॉ अगर रिक्वायर है कि पहले नोटिस देना पड़ता है कुछ टाइम पीरियड का तो जितना टाइम पीरियड का वो नोटिस दिया जाता है वो टाइम पीरियड क्या किया जाएगा एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल से For example, section 80 जो है CPC का उसमें गवर्नमेंट तो को यानी कि सूट इंस्टीट्यूट करने से दो महीने पहले आपको गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा तो ये जो टू मंथ्स है इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से अब यहाँ पर सबसे थ्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये यह कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट एडुडिकेट करने के लिए जो प्रोसीडिंग की जा रही है किसी पर्टिकुलर केस में या फिर डिग्री का जो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन किया गया है उसमें तो तब उसके लिए जब रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है या इंटरिम रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है तो जिस दिन ये वाली प्रोसीडिंग उस पर्सन को इंसॉलवेंट एजुडिकेट करने वाली जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट हुई है वो स्टार्ट हुई है और जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ है रिसीवर का तीन महीने एक्सपायर होने तक का जो टाइम है वो सारा का सारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और सिमिलर चीज होगी कब जब कंपनी के वाइंडिंग अप किए जाने के लिए जो प्रोसीडिंग की जाती है उसके लिए लिक्विडेटर या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है फोर्थ सब्सिक्शन में ये कहा गया है कि अगर जो परचेजर है उसने क्या किया है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल ऑफ डिक्री प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है तो अब उसको चाहिए उसका पोजेशन तो वो इसके पोजेशन के लिए सूट फाइल करना चाहता है तो जितना टाइम उसको मिला हुआ है इस चीज़ के लिए उस टाइम में से उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना कि उस सेल को सेटिसाइड करने के लिए जो प्रोसीडिंग चलाई गई है उसमें लगा है पांचवे सबसेक्शन में यह कहा गया है कि अगर डिफेंडेंट इंडिया में ही नहीं है या फिर उस टेरिटरी से बाहर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में आती है तो जितने टाइम तक वो बाहर है उतना टाइम लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसको काउंट नहीं करेंगे अगला सेक्शन है सेक्शन सिक्सटीन जिसमें सबसे पहले जो सबसेक्शन वन है ये प्लेंटिव के ऊपर अप्लाई होता है सबसेक्शन टू अप्लाई होता है डिफेंडेंट के ऊपर और सबसेक्शन थ्री में ये कहा गया है कि सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू उस सूट के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे जो लाया जाता है प्रियमशन के राइट को इनफोर्स करने के लिए और ना ही उस सूट पर अप्लाई होंगे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के 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 पोजीशन पोजीशन लिए लिए या फिर ऑफिस के के लाया जाता है तो सबसे पहले सब वन की अगर हम बात करें तो इसमें प्लेटिव के कंटेक्स में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन अगर जिंदा होता तो उसको सूट इंस्टीट्यूट करने का या कोई एप्लीकेशन करने का राइट होता लेकिन इससे पहले कि उसका राइट अक्रू होता वो मर जाता है या फिर सिचुएशन ही यह है कि उसके मरने पे ही उसको वो राइट right अक्रू हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तब से कम्प्यूट किया जाएगा जब उस व्यक्ति के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो होंगे इसके साथ साथ उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कैपेबल होना भी प्लेटिव केस में जरूरी है यानी कि उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऐसे केस में काउंट होगा जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज प्लेंटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे और यहां पर भी आपका लग जाएगा सेक्शन सिक्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट नेक्स्ट हम बात करें सब की यहां पर यह कहा गया है डिफेंडेंट के कंटेक्स में कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर वो जिंदा होता तो वाद दायर करने का या एप्लीकेशन फाइल करने का हमें राइट right होता लेकिन इससे पहले की वो राइट right अक्रू होता वो मर गया या फिर सिचुएशन यह है कि उसके मरने पर ही उसके अगेंस्ट हमें ये राइट right मिल रहा है कि हम उसके अगेंस्ट सूट फाइल करें या एप्लीकेशन फाइल करें तो ऐसी स्थिति में जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से काउंट करेंगे ऐसी स्थिति काउंट करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे यहां पर जरूरी नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कैपेबल होना यह है सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू में डिफरेंस आई होप आपको यह समझ आया हो तो इस तरह से सेक्शन 16 में एक प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किया गया है जो कि है कि अगर पार्टीज ही नहीं है तो क्या लिमिटेशन खाक रन करना शुरू करेगा कोई तो होना चाहिए ना Plentive के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि कैपेबल हो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लेकिन डिफेंडेंट के केस में इतना ही काफी है अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैपेबल है या नहीं है कैपेबल तो इस तरह से सेक्शन 16 आपका अप्लाई होता है सूट पर एप्लीकेशन पर बट अप्लाई नहीं होता है अपील्स पर उन सूट पर जो एनफोर्स करने के लिए डाले जाते हैं राइट ऑफ प्रियम्पन ना ही उन सूट पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या हेयर डेटरी ऑफिस के पोजेशन के लिए लाए जाते हैं और ना ही उन केसेस पर जहां राइट टू सू अक्रू होता है डेथ होने से पहले नेक्स्टली अगर हम बात करें सेक्शन सेवेंटीन की तो ये सेक्शन ये बताता है कि आपके सूट के लिए या फिर आपके एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट की काउंटिंग के ऊपर फ्रॉड और मिस्टेक का क्या इफेक्ट होगा तो कहता यह है ये सेक्शन कि मान लो हुआ ये आपको ना सक्सेशन के थ्रू कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली थी और वही प्रॉपर्टी जो आपका कजन होता है वो आपको बेच देता है लेकिन जिस टाइम पर आप उसको खरीदते हो आपको ये चीज पता ही नहीं होती है तो आपका कजन बड़ा हराम ही निकला, उसने आपके साथ कर दिया फ्रॉड। होता है ऐसा वैसे। और आपको पता ही नहीं है तो ऐसे केस में जब आपको वो प्रॉपर्टी बेची गई आपके साथ फ्रॉड कमिट किया गया तब आपका कॉज ऑफ एक्शन हो जाता है अराइज सूट फाइल करने का ऐसे सेल के अगेंस्ट लेकिन आपको तो पता ही नहीं है तो आप उसके लिए सूट कैसे फाइल करेंगे तो इसीलिए लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन सेवेंटीन में ये हिदायत दी गई है कि आपका जो टाइम लिमिट है वो तब से शुरू होगा जब आपको उस प्रॉड के बारे में पता चल जाएगा तो कहता है ये सेक्शन कि अगर कोई सूट या एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन एक्ट में टाइम लिमिट दिया गया है और वो सूट या वो एप्लीकेशन आधारित है डिफेंडेंट रेस्पोंडेंट या एजेंट इनमें से किसी के भी द्वारा किए गए फ्रॉड पर या फिर किसी राइट और टाइटल के नॉलेज पर वो सूट या एप्लीकेशन आधारित है जिसकी जो नॉलेज है वो बाय फ्रॉड इन लोगों के द्वारा आपसे छुपाई गई थी कंसील की गई थी नेक्स्टली वो सूट या वो एप्लीकेशन रिलीव के लिए है क्यों क्योंकि मिस्टेक हो गया था ऐसी सिचुएशन में जब तक कि आपको ये जो फ्रॉड हुआ है या मिस्टेक वगैरह हुई है डिस्कवर नहीं हो जाती है या फिर विद रीजनेबल डिलीजेंस जब तक आप उसको डिस्कवर नहीं कर लेते हैं तब तक जो लिमिटेशन पीरियड है वो रन करना शुरू नहीं होगा वहीं दूसरी तरफ एक और चीज कही गई है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्लेटिव के राइट right को स्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है और वो डॉक्यूमेंट fraudulently प्लेंटिव से छुपाया गया है तो जब तक कि प्लेंटिव को या फिर जो एप्लीकेंट है उसको इन दोनों में से जिससे भी मतलब जो डॉक्यूमेंट जो कि आपके राइट को स्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है वो आपसे अगर छुपाया गया है तो जब तक कि आप क्या नहीं कर लेते आपको ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का जो छुपाया गया है मींस नहीं मिल जाता है या फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए कंपेल करने का मींस नहीं मिल जाता है तब तक जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो रन करना शुरू नहीं करेगा लेकिन 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 अगर क्या हुआ है फ्रॉड हुआ हुआ है mistake हुआ है मिस्टेक कंसीलमेंट हुआ है और उस फ्रॉड मिस्टेक या कंसीलमेंट के तहत कोई व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं बोनाफाइड परचेजर वैल्यूएबल कंसिडरेशन से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है और वो ना तो फ्रॉड की ना ही मिस्टेक की ना ही कंसीलमेंट की इनमें से जो भी हुआ है उनमें से किसी की भी वो पार्टी नहीं है और ना ही जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम पर उसको इनके बारे में पता था तो ऐसी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए या उसके अगेंस्ट चार्ज को एनफोर्स करने के लिए या फिर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह जो उस प्रॉपर्टी के संबंध में हुआ है उसको सेटिसाइड करने के लिए सेक्शन 17 के तहत सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है एप्लीकेशन वगैरह नहीं फाइल की जा सकती है क्योंकि ऐसे सूट के इंस्टीट्यूशन को और ऐसी एप्लीकेशन को फाइल किए जाने के लिए सेक्शन सेवेंटीन इनेबल नहीं करता है सब सेक्शन टू में यह कहा गया है कि अगर जो जजमेंट डेटर है वो फ्रॉड करके या फिर बाय फोर्स क्या करता है डिक्री के या फिर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को रोकता है उस टाइम के अंदर जो कि ऐसे डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए ऐसे ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो जजमेंट क्रेडिटर है वो ऐसे पीरियड के एक्सपायर होने के बाद क्या करता है कोर्ट में अप्लाई करता है तो जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है वो डिक्री के या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है बट शर्त यह है कि जो एप्लीकेशन है वो विद इन वन ईयर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट जिस दिन फ्रॉड का जजमेंट क्रेडिटर को पता चला या फिर वो दिन जिस दिन जो फोर्स लगाया जा रहा था जजमेंट डेटर के द्वारा वो फोर्स समाप्त हुआ ये जो लाइन है ना आपने ध्यान रखनी है ईयर का पीरियड जो दिया गया है है ये प्री में पूछा जाता अगर हम बात करें सेक्शन 18 की तो ये ये बताता है कि अगर लाइबिलिटी का राइटिंग में इक्नोलेजमेंट किया जाता है साइन वगैरह करके तो इस इक्नोलेजमेंट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन की काउंटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो सबसे पहले सब सेक्शन वन में सेक्शन एटीन के ये कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी या किसी राइट right के संबंध में किसी सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने का जो लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है वो टाइम एक्सपायर होने से पहले वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा राइट right क्लेम किया गया है या फिर वो पर्सन जिसने इस पर्सन से क्या किया है टाइटल या लाइबिलिटी डिराइव किया है तो इन दोनों में से कोई भी अगर क्या करते हैं जो लिमिटेशन एक्ट में ऐसे सूट या एप्लीकेशन के लिए टाइम लिमिट दी गई है उसके एक्सपायर होने से पहले ऐसे प्रॉपर्टी या ऐसे राइट के संबंध में जो भी इनकी लाइबिलिटी बन रही है उसका राइटिंग में साइन वगैरह करके इकनोलेजमेंट करते हैं तो जिस दिन साइन होगा इकनोलेजमेंट उस दिन से उस टाइम से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना शुरू कर देगा इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे जो भी मैं कहूँगी वो आप मान लेना ठीक है और उसको अपनी कॉपी में लिख लेना तभी आपको अच्छे से समझ आएगा तो मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा कोई क्लेम बन रहा है आपके अगेंस्ट और उस क्लेम के लिए रिलीफ प्राप्त करने के लिए जो मैंने सूट फाइल करना है उस सूट को फाइल करने के लिए मैं एंटाइटल होती हूँ दो में और लिमिटेशन एक्ट के तहत उस सूट को फाइल करने के लिए मुझे टाइम लिमिट मिलती है तीन साल की तो अब मेरे पास टाइम है 2021 से लेकर 2024 तक का तो अगर आप इस टाइम के अंदर 2021 से लेकर 2024 का जो मेरे को टाइम लिमिट मिला है उस टाइम के अंदर उस टाइम के एक्सपायर होने से पहले आपकी लाइबिलिटी का एक नॉलेजमेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप दो में आपकी लाइबिलिटी का एक कर रहे हैं और जरूरी है कि वो इकनोलेजमेंट आपने किया हो राइटिंग में साइन करके और विद इन द पीरियड तीन सालों के अंदर जो मुझे मिला हुआ है तो आपने 2023 में कर दिया एक्नॉलेजमेंट साइन वगैरह करके राइटिंग में आपकी लायबिलिटी का जो आपकी मेरे प्रति बन रही है तो जिस दिन आपने एक्नॉलेजमेंट किया है उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेरे लिए शुरू हो जाएगा यानी कि आपने 2023 में एक्नॉलेजमेंट किया तो 2023 से मुझे फिर से आपके अगेंस्ट सूट फाइल करने का टाइम लिमिट 3 साल का मिल जाएगा अब मेरे पास 2023 से 2026 तक का टाइम है लेकिन अगर फिर से आप 2023 से 2026 के बीच आकर क्या करते हैं इकनोलेजमेंट करते हैं आपकी लाइबिलिटी का राइटिंग में साइन वगैरह करके तो फिर से मुझे तीन साल और मिल जाएंगे मतलब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है मान लो आपने क्या किया एक्नॉलेजमेंट किया अब की बार आके 2025 में अब 2025 से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना शुरू कर देगा और 2025 से 2028 तक का मुझे टाइम मिल जाएगा आपके अगे फाइल करने का तो इसीलिए ये चीज जरूरी है कि जो इकनोलेजमेंट किया गया हो वो विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड किया गया हो जो टाइम लिमिट लिमिटेशन एक्ट में मुझे मिली हुई है उस टाइम लिमिट के अंदर क्योंकि अगर उसके बाद किया जाता है तो इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है और जरूरी नहीं है कि जो आपने इक्नॉलेजमेंट किया है वो मेरे सामने ही किया हो अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को किया है तो भी चलेगा तब भी आपका सेक्शन 18 अप्लाई होगा और ये भी जरूरी नहीं है कि जो एक्नोलेजमेंट आपने किया है उसमें आपने मुझे वो क्लेम जिसके लिए मैं एंटाइटल हूं उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉमिस किया हो सिंपली अगर आपने लिख दिया कि जीनत का मेरे प्रति ये क्लेम बनता है तो वो भी इनफ होगा तब भी आपका सेक्शन एटीन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा उस इक्नॉलेजमेंट के ऊपर अब यहां पर मान लो जो इक्नॉलेजमेंट आपने किया था साइन वगैरह करके राइटिंग में उस पे ना आपने डेट ही नहीं डाली तो अब हम कैसे पता करें कि जो इकनोलेजमेंट हुआ है वो कब हुआ है ताकि उस टाइम से हम फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट करें रन करना काउंट करना तो अब इस चीज के संबंध में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर डेट पर एक्नोलेजमेंट हुआ था लेकिन जो एक्नोलेजमेंट में कंटेंट है जो बातें हैं डेट के अलावा उसको ओरल एविडेंस से आप प्रूव नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन में ये कहा गया है कि सब चीजें ओरल एविडेंस से प्रूव की जा सकती हैं एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस राइटिंग में साइन करके एक्नोलेजमेंट हुआ है तो ये चीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आती है तो इसलिए इस एक्नोलॉजमेंट के कंटेंट को हम ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते हैं इसके साथ साथ आप सेक्शन 91 एंड 92 जो दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में उसके प्रोविजन भी इस कंटेक्स में देख सकते हैं लेकिन अगर आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन सिक्सटी में एंटाइटल होते हैं तो तब क्या किया जा सकता है एक्नोलेजमेंट के कंटेंट को भी ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है तभी यहाँ पर ये लाइन लिखी है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओरल एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द एक्नोलेजमेंट शेल नॉट बी रिसीव्ड। यहाँ पर सेक्शन 19 में थोड़ा चीज ये अलग कर रखी है कि मान लो होता ये है कि आपने मुझसे कुछ पैसे वगैरह उधार लिए हैं तो जिस तारीख को आपने वो पैसे मुझे वापस करने थे वो आपने उस तारीख को नहीं किए तो उस दिन मेरा कॉज ऑफ एक्शन हो जाता है अराइज़ आपके अगेंस्ट रिकवरी ऑफ डेट का सूट फाइल करने का और उस सूट के लिए मुझे लिमिटेशन एक्ट में तीन साल का टाइम मिला हुआ है तो 2021 में मान लो मैं उस सूट को फाइल करने के लिए एंटाइटल्ड हुई तो मेरे पास 2024 तक का टाइम है कि मैं आपके अगेंस्ट क्या कर दूं सूट फाइल कर दूं और अपना डेट रिकवर कर लूं लेकिन अगर आप 2021 से लेकर 2024 के बीच में कभी भी जो भी डेट आपने मुझसे लिया था जो भी कर्ज आपने मुझसे लिया था उसका कुछ अमाउंट मुझे पे कर देते हैं या फिर जो आपने मुझसे कर्ज लिया था उसका इंटरेस्ट उसका ब्याज वगैरह आप मुझे दे देते हैं 2021 से लेकर 2024 के बीच में कभी भी जो मेरा टाइम लिमिट है सूट फाइल करने का तो जिस दिन आप क्या कर रहे हैं वो अमाउंट पे कर रहे हैं या वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या आप अपने ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट से ऐसा करवा रहे हैं तो इस केस में जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना शुरू कर देगा उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपने दो में पेमेंट की तो अब दो से दो तक का मुझे पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल जाएगा आपके अगेंस्ट सूट फाइल करने का आगे यहाँ पर सेक्शन 19 में प्रोवाइजो दिया गया है जिसकी प्रेजेंट टाइम में कोई यूटिलिटी नहीं है सो स्कीप इट वही आगे अगर हम देखें इसका एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 19 में दिया गया है इस एक्सप्लेनेशन में पहली चीज ये कही गई है कि अगर मोर्डगेज लैंड है जो कि पोजेशन में है मोटगेजी के तो ऐसे केस में रिसिप्ट ऑफ रेंट जो है या फिर उस लैंड का जो प्रोड्यूस वगैरह है इनको भी ना पेमेंट माना जाएगा सेक्शन सेक्शन 19 19 के में में वही दूसरी तरफ जो डेट की की बात की गई है ना उसमें वो पैसा इंक्लूडेड नहीं है जो अंडर द डिग्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे किया जाना है तो ये था सेक्शन नाइनटीन नेक्स्टली अगर हम बात करें सेक्शन ट्वेंटी की तो यहाँ पर पहली चीज तो ये कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबल पर्सन है तो ऐसे पर्सन के संबंध में सेक्शन एटीन के तहत एक्नोलेजमेंट और सेक्शन 19 के तहत पेमेंट उसका लॉफुल गार्जियन या फिर कमेटी या फिर मैनेजर या फिर इनमें से किसी के भी द्वारा ड्यूली अपॉइंटेड ऑथोराइज एजेंट कर सकता है सेकेंडली सेक्शन ट्वेंटी में ये कहा गया है कि अगर सेवरल ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पार्टनर्स हैं एग्जीक्यूटर हैं मॉर्गेजिस हैं उनमें से कोई भी अगर क्या करता है या तो खुद या फिर किसी एजेंट से करवाता है कोई एक्नोलेजमेंट अंडर सेक्शन 18 या फिर पेमेंट करता है अंडर सेक्शन 19 तो ये चीज बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को पार्टनर्स को एग्जीक्यूटर्स को या फिर मोर्गेजेस को बाइंड नहीं करेगी फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक कॉन्ट्रैक्टर ने खुद या फिर किसी एजेंट से क्या कराया है सेक्शन 18 के तहत लाइबिलिटी का एक्नोलेजमेंट कराया है या फिर सेक्शन 19 के तहत पेमेंट कराया है तो ये दूसरे ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर को बाइंड नहीं करेगा लेकिन इस बात के एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन है कि अगर इक्नोलेजमेंट साइन किया जाता है हिंदू विडो द्वारा या अदर लिमिटेड ऑनर जो है हिंदू लॉ के तहत उनके द्वारा या फिर उनके एजेंट के द्वारा तो यह चीज बाइंडिंग होगी रिवर्सनर के ऊपर दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर इकनोलेजमेंट वगैरह जो है वो साइन किया जा रहा है जो करता है जॉइंट हिंदू फैमिली का या जो मैनेजर है जॉइंट हिंदू फैमिली का उसके द्वारा या फिर उसके एजेंट के द्वारा तो ये पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर बाइंडिंग हुआ बट शर्त ये है जो एक्नॉलेजमेंट है वो होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लाइबिलिटी इनकट बाय और ऑन द द होल फैमिली अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है और उसके बाद उस सूट में किसी प्लेंटिफ को या फिर डिफेंडेंट वगैरह को सब्सटीट्यूट किया जाता है सब्सिट्यूट मतलब जो पहले था उसको हटा के फिर किसी नए को रखना या फिर इनको एड किया जाता है तो इस चीज़ का पीरियड ऑफ लिमिटेशन की काउंटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का आंसर किया गया है सेक्शन ट्वेंटी वन में सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद कोई नया प्लेंटिव या डिफेंडेंट वगैरह उस सूट में सब्सिट्यूट किया जाता है या फिर एड किया जाता है तो ऐसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के संबंध में वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ हुआ तब समझा जाएगा जिस दिन इनको उस सूट की पार्टी बनाया गया यानी कि मान लो जो नया प्लेंटिव एड किया गया उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट करने का जो टाइम पीरियड था वो तीन साल का था लेकिन जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ उस टाइम पर तो वो पार्टी ही नहीं बनाता सूट की मान लो उसको तीन साल एक्सपायर होने के बाद अगर सूट की पार्टी बनाया जाता है मतलब तो सेक्शन ट्वेंटी वन को अप्लाई करके ये माना जाएगा कि उसको जिस दिन आपने पार्टी बनाया उसी दिन उसका सूट इंस्टीट्यूट हुआ और जैसा कि उसका सूट टाइम बार्ड है तो अब उसका सूट

उससे कुछ पहले टाइम पर इंस्टीट्यूट हुआ हुआ मान लेगी लेकिन अगर ऐसा होता है कि जब सूट पेंडिंग में है उस दौरान कोई पार्टी ऐड की जाती है या सब्स्टिट्यूट की जाती है असाइनमेंट की वजह से या डिवोल्यूशन हुआ है इंटरेस्ट का ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट इस वजह से या फिर प्लेंटिफ का डिफेंडेंट में डिफेंडेंट का प्लेंटिफ में ट्रांसपोजिशन हुआ है तो ऐसे स्थितियों पर

ट्रेस पास एनी डिस्टर्बेंस इन द ड्रॉइंग ऑफ वाटर एन इनफ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जब तक मतलब कंटिन्यू रहता है तब तक हर एक मूवमेंट पर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना शुरू करेगा कंटिन्यू ब्रीज क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का जैसे कि फेलियर टू पे रेंट इंटरेस्ट और कोई भी अदर सम पीरियोडिकली ऐसे हर एक ब्रीज के केस में जो कॉज ऑफ एक्शन है वो तब अराइज होता है जब ऐसा ब्रीज होता है जब जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच तब तक कॉज ऑफ एक्शन राइज। नेक्स्ट लीज सेक्शन ट्वेंटी थ्री में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट से आपका कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज होगा जब उससे कोई स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली में आपको होगी तो ऐसे केस में उस एक्ट के कंपनसेशन के लिए जो सूट होता है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस टाइम से काउंट किया जाता है जब वो इंजरी आपको होती है जब उस एक्ट से इंजरी होती है अब यहाँ पर अगर हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो टाइम जो कि इंस्ट्रूमेंट में मेंशन है तो उस केस में हम वही कैलेंडर अप्लाई करेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर ठीक है तो यही बात यहाँ पर कही गई है सेक्शन ट्वेंटी फोर में तो यहाँ तक आपका सेक्शन ट्वेंटी फोर तक पार्ट थर्ड होता है खत्म इंडियन लिमिटेशन एक्ट का अब अगर हम पार्ट फोर देखें जिसमें बाय पोजेशन ऑनरशिप के एक्विजिशन के संबंध में सेक्शन 25 से लेकर 27 तक दिए गए हैं इसमें सबसे पहले जो सेक्शन 25 दिया गया है इसमें बताया गया है बाय प्रेस्क्रिप्शन ईजमेंट कैसे इक्वायर किया जाता है तो बेसिकली इंडियन ईजमेंट एक्ट एटीन में काफी सारे मोड बताए गए हैं ईजमेंट को एक्वायर करने के लिए जिनमें से एक मोड ये भी है और ये वाला जो मोड है ना इंडियन इजमेंट एक्ट के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा यानी कि अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में कोई राइट right एक्सरसाइज कर रहा है ऐसी प्रॉपर्टी में जो वो खुद की नहीं है और वो राइट ओपनली एक्सरसाइज कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है बिना किसी इंटरप्शन के एक्सरसाइज कर रहा है तो तब वो उसका बन जाता है इजमेंट राइट right, और ये कहलाता है इजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन तो सबसे पहले सेक्शन ट्वेंटी फाइव जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट का इसमें सब सेक्शन वन में एक सबसे पहली चीज ये कही गई है कि अगर किसी बिल्डिंग में या किसी बिल्डिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं लाइट का या फिर एयर का एक्सेस ले रहे हैं यूज कर रहे हैं पीसीबली इंजॉय कर रहे हैं उसको ईजमेंट के रूप में बिना किसी इंटरप्शन के पहली चीज ये दूसरी चीज ये कि अगर कोई वे है कोई रास्ता वगैरह है कोई वाटर कॉस है या फिर पानी का यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर ईजमेंट है चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसको हम पीसेबली ओपनली एंजॉय कर रहे हैं एक ईजमेंट के रूप में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा उसके ऊपर ईजमेंट्री राइट है और हम उसको पीसेबली ओपनली एंजॉय कर रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन के तो इन दोनों केसेस में अगर हम ये चीज लगातार बिना इंटरप्शन के 20 सालों तक दूसरे की प्रॉपर्टी में कर रहे हैं और अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो लगातार तीस सालों तक तो तब लाइट और एयर वाटर कॉज यूज ऑफ वाटर और बाकी जो अदर इजमेंट है उन सबको यूज करने का जो राइट right होगा वो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट हो जाएगा इंडिफिजिबल हो जाएगा और हम इस चीज के लिए क्या करा सकते हैं डिक्लेरेटरी डिग्री पास करवा सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 के तहत सिंपल शब्दों में सबसेक्शन टू में यही लिखा है कि जो ट्वेंटी ईयर्स का टाइम है वो सूट फाइल किए जाने के दो सालों पहले क्या होना चाहिए समाप्त हुआ हुआ होना चाहिए जिसका मतलब यही है कि जिस दिन आपके ट्वेंटी ईयर्स उस राइट को यूज करते करते पूरे हो रहे हैं और गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी के केस में थर्टी ईयर्स उस राइट को यूज करते करते हो रहे हैं पूरे उस दिन से दो सालों के अंदर आपने क्या करना है इजमेंट्री राइट right को प्राप्त करने के लिए एक्वायर करने के लिए कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर देना है सबसेक्शन थ्री में यही बताया गया है कि ये जो पीरियड है नॉर्मल केसेस में ट्वेंटी ईयर्स है और अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है तो तब ये ट्वेंटी ईयर्स से एक्सटेंड हो जाएगा थर्टी ईयर्स एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि इंटरप्शन का मतलब सेक्शन ट्वेंटी फाइव में क्या है तो ये आप एक बार देख लेना अब यहाँ पर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लिख लिख कर इस सेक्शन को आपको समझाएंगे सेक्शन ट्वेंटी सेवन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था इसलिए हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे एट फिफ्थ है मिसलिनियस जिसमें सेक्शन ट्वेंटी एट से लेकर सेक्शन थर्टी टू तक है सेक्शन ट्वेंटी एट भी रिपीट है सेक्शन थर्टी टू भी रिपीट है बचा क्या ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन ट्वेंटी नाइन सेविंग्स के बारे में बात करता है यानी कि बैंक वाली सेविंग नहीं मतलब जिनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो पहली चीज़ ये कह रहा है कि लिमिटेशन एक्ट जो है सेक्शन 25 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं सेक्शन 25 में ही तो इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा दूसरी चीज सेक्शन फोर से लेकर ट्वेंटी फोर तक जो लिमिटेशन एक्ट में दिए गए हैं ये स्पेशल और लोकल लॉस के जो केसेस होते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे जब तक कि इन स्पेशल और लोकल लॉज में इन सेक्शन का एप्लीकेशन एक्सप्रेसली एक्सक्लूड ना किया गया हो तीसरी बात ये कही गई है कि लिमिटेशन एक्ट में जो भी बातें हमने डिस्कस की उनका इंडियन डाइवोर्स एक्ट में जो सूट फाइल होते हैं उनके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं होगा आखिरी बात इस सेक्शन में कही गई है कि सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 में जो भी बातें हमने पढ़ी इसके अलावा जो डेफिनेशन दे रखी है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन टू में ईजमेंट की तो ये जो तीनों चीजें हैं इनका उन केसेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जो कि उस टेरिटरी में अराइज होते हैं जहां पर लगता है इंडियन ईजमेंट एक्ट सेक्शन थर्टी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी बस हैडिंग हैडिंग पढ़ लेना प्री में भी बहुत ही कम पूछा जाता है और मेंस में तो पूछा ही नहीं जाता सेक्शन थर्टी वन की भी हेडिंग हेडिंग काफी है सेक्शन थर्टी वन में बस यही कहा गया है कि कोई सूट अपील एप्लीकेशन ऐसा है अगर जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन इंडियन लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन जीरो एट के लागू होने से पहले अगर एक्सपायर हो गया है तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट में जो भी बातें कही गई हैं वो ऐसे सूट के इंस्टीट्यूशन को ऐसे अपील के प्रेफर किए जाने को ऐसी एप्लीकेशन के फाइल किए जाने को इनेबल नहीं करती है और ना ही इस एक्ट में कोई भी बात ऐसे किसी सूट के ऊपर या फिर किसी ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर या फिर किसी ऐसी अपील के ऊपर कोई प्रभाव डालेगा जो कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के लागू होने से पहले फाइल की जा चुकी है और इस एक्ट के लागू होने के टाइम पर वो कोर्ट में पेंडिंग में थी तो यहाँ पर आपका लिमिटेशन एक्ट होता है खत्म लास्टली अगर हम शेड्यूल के बारे में बात करें तो शेड्यूल में 137 आर्टिकल है पार्ट वन में सूट के बारे में बात की गई है जिसमें आर्टिकल वन से लेकर वन हंड्रेड थर्टीन तक दिए गए हैं पार्ट टू में अपील के बारे में बात की गई है जिसमें आर्टिकल वन हंड्रेड फोर्टीन से लेकर वन हंड सेवनटीन तक दिए गए हैं पार्ट थ्री में एप्लीकेशन से संबंधित पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है जिसमें आर्टिकल वन से लेकर 137 तक दिए गए हैं तो बेसिकली आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो सूट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी इनके संबंध में है उनके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है तीन साल का बाकी के जो बचे उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे सो फाइनली अल्टीमेटली चाय की केतली हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है वो हो गया है ख़त्म जान की से पढ़ाने में पूरा एक वीडियो में बस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आनी चाहिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना लिमिटेशन एक्ट का जो ये पीडीएफ नोट है इसमें आपको मेंस के पर्पस के भी सारे नोट्स मिलेंगे लिमिटेशन एक्ट के वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर आपको ये परचेज करना है तो इसके बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में है कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में